अगर जरा से भी कंफ्यूज्ड हो टेक्नोपोवा 6 प्रो वर्सेस पोको X6 नियो में, ये सोच रहे हो कि आपके लिए फोटोज में कौन सा बेटर रहेगा और व्लॉगिंग किस फोन से तगड़ी होगी, तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, सीधे शुरू करते हैं कैमरास की टेस्टिंग से। और भाई दोनों फोन्स में फिलहाल 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक चीज आपने नोटिस ऑलरेडी कर ली होगी कि जो पोको X6 नियो है उसकी फुटेज थोड़ी ज्यादा क्रॉप्ड इन लगती है। दोनों में स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी ऑन है, पर यहाँ पे आप देखोगे टेक्नोपोवा 6 प्रो थोड़ा ज्यादा वाइड है। बाकी कलर्स के मामले में कैसा लग रहा है आपको, मेरे स्किन के कलर्स किस में बेटर लग रहे हैं, पीछे के ग्रीन्स, रेड कलर बिल्डिंग का, और स्काई को भी एक बार एक्सपोज करके दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है दोनों ही फोन्स में, कितना टाइम ले रहे हैं ये एक्सपोजर एडजस्ट करने में, वो भी आप फटाफट से चेक करो अपने लिए। कलर्स कैसे मेंटेन किए दोनों ने ही, स्किन टोन्स के कलर्स कैसे आ रहे हैं आपको आइडिया लग गया होगा। एक चीज़ तो मैं बोलूंगा भाई, थोड़ा ज्यादा वाइड है टेक्नोपोवा 6 प्रो का कैमरा, तो उस पर व्लॉग करने में थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं पहले, स्टेबलाइजेशन चेक करो, वाइड एंगल तो लगी रहा है टेक्नोपोवा 6 प्रो में। और थोड़ा सा रनिंग करके भी दिखा देता हूँ कि दोनों फोन्स में स्टेबलाइजेशन का क्या सीन है। एक मेजर एडवांटेज टेक्नोपोवा 6 प्रो को ये है कि स्टेबलाइजेशन ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन एंड फ्रीडम यहाँ पर मिल जाती है, जो कि पोको के X6 नियो में आपको अलग से देखने को नहीं मिलता। आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये पुश किया जा सकता है। अब जो फर्क फ्रंट कैमराज में था वो सिमिलर फर्क रेयर कैमराज में भी है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑटोमेटिकली ऑन है पोको X6 नियो में, लेकिन टेक्नोपोवा 6 प्रो में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्टेबलाइजेशन ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार। एंड ऑल्सो साथ ही में टेक्नोपोवा 6 प्रो के पास एक बहुत मेजर एडवांटेज है, टेक्नोपोवा 6 प्रो में आप देख सकते हो यहाँ पर 1080p 60fps भी अवेलेबल है, एंड साथ ही में 2K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। स्टेबलाइजेशन अलग से ऑन ऑफ तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पर वीडियो शिफ्ट हो जाती है 1080p 30fps पर, 2K 30fps का रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है यहाँ पे, एंड साथ ही में 1080p 60fps में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन आपको चेक करवा देता हूँ 1080p 60fps में कैसा निकल कर आ रहा है नॉर्मल वॉकिंग के टाइम, और अब टेस्ट करवा देता हूँ 1080p 30fps पर। जब हम अलग से स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं तो वीडियो की रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी आती है, कलर्स कैसे आते हैं, स्किन टोन्स, चश्मे का रेड कलर। एक स्मॉल वॉकिंग टेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए और थोड़ा सा रनिंग भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्नोपोवा 6 प्रो का स्टेबलाइजेशन कैसा है। टेक्नोपोवा 6 प्रो में आप कलर्स चेकआउट कर सकते हो कैसे लग रहे हैं, इतादोरी के साथ ही में पीछे का ग्रीन कलर, बेंच का ब्लू कलर, एंड ऑफकोर्स हमारे नाइकी के जूते का रेड कलर। अब यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड है वहां पे एक और खास चीज है जो कि है बैकग्राउंड ब्लर। यहाँ पे वीडियो शिफ्ट हो जाती है 720 30fps पर आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो अपनी वीडियोस में। यहाँ पर आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करना पसंद है। बस क्वालिटी लिमिटेड है 720p पर, लेकिन भाई ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता पोको X6 नियो में, जो कि है टेक्नोपोवा 6 प्रो में बैकग्राउंड ब्लर वाला। और वैसे ये चीज दोनों ही फ्रंट और रेयर कैमरा में अवेलेबल है, बस वीडियो क्वालिटी लिमिटेड हो जाती है 720p 30fps पर, लेकिन भाई ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है तो अच्छी बात है। वैसे टेक्नोपोवा 6 प्रो में एक और एडवांटेज है जो कि आपको दिख ही गया होगा, डुअल वीडियो मोड इसमें आपको मिलता है, और ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से कि किस टाइप का आपको व्लॉग में चाहिए, पर्सपेक्टिव किस टाइप का दिखाना है, यहाँ से चेंज कर सकते हो कि किस टाइप का एस्थेटिक्स आपको चाहिए और कौन सा बॉक्स बड़ा या छोटा होना चाहिए। अगर आपको चाहिए आपका व्लॉग वाला POV थोड़ा सा बेटर हो तो फिर आप उसको बड़ा रख सकते हो, या फिर आपका मेन कैमरा से जो शूट हो रहा है वो अच्छे से दिखे। और यहाँ पे डुअल चैनल मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से, जो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज है वो आपको 1080p 30fps एंड साथ ही में 720p 30fps मिल जाती है। मेरा प्रेफर 1080p 30fps ही रहने वाला है। अभी फिलहाल टेक्नोपोवा 6 प्रो में आपको पीछे का स्काई ध्यान से देखो, नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें स्काई शॉप करके एक फीचर है जिससे बैकग्राउंड का जो आसमान है उसका पूरा का पूरा आप कलर आराम से चेंज कर सकते हो। अलग अलग फिल्टर्स भी मिलते हैं इसमें आपको साथ में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि है स्काई शॉप। यहाँ पर आप पूरे के पूरे स्काई को रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी दे रखे हैं। एंड बाकी डे टाइम के फिल्टर्स में मैं थोड़ा स्क्रोल थ्रू करवा के दिखाता हूँ आपको। बाय द वे, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, मैं हूँ ऋतिक, आप देख रहे हो गिजबॉल्ट, और ऐसी डिटेल टेस्टिंग आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फुल सपोर्ट करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। खैर अब चलते हैं फोटोज पर, मेरे स्किन के कलर और टी शर्ट पे ध्यान देना, और पीछे की बिल्डिंग के रेड कलर पे भी
पोवा 6 प्रो ने कॉन्ट्रास्टी पिक्चर ली है, टी शर्ट का कलर भी मेंटेन किया है, पीछे का बिल्डिंग का भी एंड स्काई का भी। थोड़ा सा काला जरूर लग रहा हूँ पर स्किन को अच्छे से एक्सपोज किया इसने। अब पोको X6 न्यू में स्किन का कलर तो अच्छा लग रहा है पर मेरी शर्ट, पीछे की बिल्डिंग और पेड़ थोड़ा धुंधला लग रहा है, हेलो इफेक्ट आ रहा है इसमें। पोको X6 न्यू थोड़ी वार्म पिक्चर्स क्लिक करता है, वहीं टेक्नो पोवा 6 प्रो थोड़ी कूलर साइड पर है एंड टेक्नो का लेंस भी थोड़ा ज्यादा वाइड है। पोर्ट्रेट मोड में आसमान को अच्छे से एक्सपोज कर लेता है पोवा 6 प्रो, बट पोको X6 प्रो थोड़ा स्ट्रगल करता है। एक एडवांटेज पोवा 6 प्रो को पोर्ट्रेट्स के मामले में है, 2x भी मिल जाता है इसमें। पोर्ट्रेट वाली सेल्फीज में भी वैसे स्काई का सेम ही सीन है, एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है पोको X6 प्रो का। बाकी नॉर्मल मोड में तो दोनों ही अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। सेल्फीज में यहाँ पे पोवा 6 प्रो के पास एक और एडवांटेज है कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइड और कर सकते हो आप अपनी इमेज को। कलर्स आपको किसके बेटर लग रहे हैं मुझे कॉमेंट्स में बताओ आप। कलर साइंस की बात की जाए तो रेयर कैमरा में भी पोवा 6 प्रो का कूल है और पोको X6 नियो का वॉर्म। नॉर्मल फोटो मोड में टेक्नो 1x और 3x का ऑप्शन देता है पर पोको X6 नियो में 1x, 2x और 3x तीनों का ही ऑप्शन है। लेकिन भाई नॉर्मल मोड में यहाँ इतादोरी के बालों को ध्यान से देखना, टेक्नो ने 1x और 3x में एकदम बढ़िया मेंटेन किया है पर पोको X6 नियो में 1x और 2x में ओवर एक्सपोज हो गए इसके बाल, सिर्फ 3x में इसने बढ़िया मेंटेन किया। अब ओवरऑल दोनों फोन्स की ही फोटोज और वीडियोस आपने देख ली। पोको X6 न्यू अपने प्राइस पॉइंट पे एक वैल्यू डिवाइस है, वीडियोस इसकी अच्छी है, बस स्टेबलाइजेशन का यहाँ पे ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें और वीडियोस 1080p 30fps पर लिमिटेड है। वैसे डिस्प्ले की प्रोटेक्शन इसमें तगड़ी है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ इस सेगमेंट में मुश्किल ही देखने को मिलती है एंड सॉफ्टवेयर वाइज तो ये डेफिनेटली बेटर है टेक्नो पोवा 6 प्रो से। लेकिन टेक्नो पोवा 6 प्रो दोनों फोटोज और वीडियोस के मामले में थोड़ा आगे है। ऑल्सो 2K 30fps और 1080 60fps दोनों फ्रंट और रेयर में है इसके। स्टेबलाइजेशन ऑन करने का भी ऑप्शन मिलता है इसमें एंड साथ ही में अतरंगी फीचर्स हैं जैसे डुअल रिकॉर्डिंग मोड, स्काई शॉप और पीछे की साइड वाली ये मस्त LED भी है जिसका नाम है डायनामिक लाइट। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट 70 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी है इसमें विद 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी। जिसे हम कंपेयर करें पोको X6 नियो में तो बैटरी तो यहाँ पर अच्छी है 5000 mAh की, लेकिन चार्जिंग पोको X6 न्यू की थोड़ी स्लो है इसके कंपैरिजन में 33 वॉट की। बट एंड्रॉइड अपडेट्स के मामले में टेक्नो पोवा 6 प्रो में कोई क्लैरिटी कोई गारंटी नहीं है। एक और फोन है वैसे 20,000 के बजट में, iQOO Z9, जिसका डिटेल्ड कंपैरिजन मैंने Nothing Phone 2 और Narzo 70 Pro के साथ किया है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आराम से देख सकते हो। खैर अगर लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हो तो यार आप स्पेशल हो एंड मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। अपनी साइड से गिव अवे कर रहा हूं मैं एक फोन का और जो गिव अवे वाला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको नीचे पिंड कॉमेंट में दे दूंगा। बाकी भाई इन दोनों में से कौन सा फोन आपको बेटर लगा मुझे नीचे बताओ और मैं आपको मिलता हूँ नीचे कॉमेंट सेक्शन। Thank you.